शहर के वार्ड संख्या 2 के निवासी क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़क के चलते परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हालात यह है कि सड़क खुदाई के कारण जगह जगह से क्षतिग्रस्त है, जिसके चलते यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। नगर परिषद प्रशासन और क्षेत्रीय पार्षद को बार बार शिकायत करने के बाद भी क्षतिग्रस्त सड़क की सुध नहीं ली गई। आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने शनिवार को परिषद प्रशासन और स्थानीय पार्षद के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शित किया। आक्रोशित प्रदर्शित करने के दौरान क्षेत्रवासियों ने कहा कि दादीधाम से लेकर दयानगर की ओर जाने वाली सड़क को पहले तो सीवरेज वालों ने खोद दिया, उसके बाद गैस पाइपलाइन वालों ने खोदकर क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके कारण सड़क में जगह जगह खड्डे हैं, जिनके कारण लोगों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ती है। इस संदर्भ में स्थानीय पार्षद मुन्नी देवी गहलोत से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस बार हमने नगर परिषद प्रशासन, आयुक्त को भी, सभापति को भी इस बाबत अवगत करवाया, लेकिन सुध नहीं ली गई। शनिवार को आक्रोश प्रदर्शन के दौरान रूपेश भारद्वाज, आयुषी जैन, उमाशंकर, मनीष दगदी, हेमंत राकेश चौहान, सुरेंद्र सिंह और बिरजू सिंह सहित कई अन्य क्षेत्रवासी भी शामिल रहे। वार्ड नंबर 2 से क्षेत्रवासियों से मेरे पास शिकायत आती है, और पहले सीवरेज वालों ने ये रोड बनाई थी 6 महीने पहले, और गैस वालों ने तो दोनों तरफ से रोड खोद दिए, दादीधाम से लेकर दयानगर तक पूरी रोड खोद दिए वार्ड नंबर 2 में। और मैंने गैस वालों को भी शिकायत दे दी है, तो उन्होंने कहाँ बनाएंगे, पर अभी तक नहीं बनाई। और नगर परिषद में मैंने शिकायत दे दी है, पर हाँ कह रहे हैं कि बनाएंगे, पर अभी नहीं बना रहे। गैस वाले आए और बिना पूछे ही वार्ड में खोदी करने लग गए। जैसा कि इस रोड की हालत बहुत क्षतिग्रस्त हो चुकी है, आए दिन यहाँ पर रोज ना रोज कोई ना कोई गिरता है। मैंने कम से कम 5 एक्सीडेंट एक ही दिन में देखे हैं, तो जल्दी से जल्दी इसका निर्माण किया जाए ताकि लोगों को सुविधा रहे।